हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग, खूबसूरत, सुंदर सी बहल दिख रही है ना। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। साथ में आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे ना, तो बहुत मज़े से वो खाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू को ठंडा करके, ग्रेट करके। तो आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं या फिर हाथों से ही तोड़ के डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले रखा है पनीर, तो ये 100 ग्राम से थोड़ी सी कम है। और इस तरीके से चाहे तो आप हाथों से ही इसे क्रश कीजिए या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। तो मैं हाथों से ही कर लेती हूँ। और इस पनीर को भी मैंने घर पे बनाया है ना, तो ये भी बिल्कुल फ्रेश ही है। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के इसके अंदर हम डाल देंगे पनीर को। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से बहुत आराम से ये टूट जाता है, बहुत ही जल्दी ये मिक्स भी हो जाता है। पनीर को तो ऐड कर दिया, अब लेंगे 2 चीज़ क्यूब्स को। तो मैंने इसके पहले चीज़ की रेसिपी शेयर की हुई है आप सबके साथ, 2 तरीके की मैंने चीज़ बनाई हुई है, तो वो आपको इंडी स्क्रीन पे मिल जाएगी, उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चीज़ को भी ऐड कर देती हूँ, और साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 से 2 हरी मिर्च को ले रखा है। साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 टीस्पून के आसपास डाल रहे हैं। अब इसमें हमें कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं, बस इन सबको पहले हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से मसलते हुए। तो जो भी बड़े टुकड़े होंगे, इस तरीके से जब आप मसलेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया सा मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को पहले हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब यहाँ पे हम डालेंगे अरारोट का पाउडर। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो वो ऐड कर सकते हैं, मैदा है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, मतलब 1 चम्मच और 1/2 चम्मच डाल रही हूँ अरारोट का पाउडर। और इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, तो एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। और जो हाथों में चिपक रहा है ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हाथों में हल्का सा ऑयल लेंगे और इसे इस तरीके से आप गूंथ लेंगे, तो बिल्कुल भी हाथों में चिपकेगा नहीं है। तो बस इसे रखते हैं साइड में। अब हम बनाएंगे स्लरी, तो उसके लिए यहाँ पे हमें अरारोट का पाउडर ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 चम्मच अरारोट का पाउडर लिया है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरीके का बैटर हमें चाहिए कि उस पर पतली सी कोटिंग होनी चाहिए। बस इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ पर इसमें हम डालेंगे अब नमक, क्योंकि नमक हमने पहले अगर डाल दिया होता ना, तो ये हल्का सा गीला हो जाता। तो नमक डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और ये स्लरी भी तैयार हो चुकी है। और अगर आपके पास नहीं है अरारोट का पाउडर, कॉर्नफ्लोर भी नहीं है, मैदा भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो घर में ब्रेड होती है ना, आप उसे भी इसके अंदर क्रम्बल करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाते जाएंगे और इसके छोटे छोटे से हम बनाएंगे बॉल। जितना बड़ा और जितना छोटा आपको बनाना हो, उस हिसाब से इसमें से आप छोटी छोटी सी बॉल्स तोड़िए और हाथों में इसे रोल करते हुए बना लीजिए। तो ये देखिए, जब आप ऑयल लगाएंगे हाथों में, तो ये ज़रा सा भी नहीं चिपकेगा। आप चाहे तो इसे ऐसे ही फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रुकिए रुकिए, अभी थोड़ा सा और इसे टेस्टी बनाते हैं। तो ये देखिए, पहले हम ये सारी बॉल्स को इसी तरीके से बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए, बॉल को आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस हल्का सा आपको रोल करना है, तो बॉल बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, सारी बॉल्स को मैंने इसी तरीके से बना लिया है। अब यहाँ पर पूरी बॉल हमने तैयार कर ली है। अब क्या करना है, आप चाहें तो इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉल को लिया, इन उंगलियों में मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, या फिर आप ऐसे ही प्रेस करके इसे हल्का सा फैला लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे छोटी सी चीज़ क्यूब को, तो ये अंदर से बहुत ही चीज़ी बनेगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, यकीन मानिए बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और यहाँ पर इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे और हल्का सा हाथों पे हम घुमाएंगे ना, तो ये फिर से अपनी शेप में आ जाएगा, गोल गोल सा बन जाएगा लड्डू की तरह। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बन चुका है। और एक ख़ास बात, इसे हम डबल कोट करेंगे, क्योंकि सिंगल कोट करेंगे ना, तो इसमें जो हमने डो में जो चीज़ मिलाया है, उसकी वजह से ये फट सकता है। तो आप इसे डबल कोट कीजिए, एक बार स्लरी में डालिए और फिर एक बार इसे ब्रेड क्रम में डालिए। तो ये ब्रेड क्रम मैंने अभी ही बनाया है, और ये हाथों से बना हुआ ब्रेड क्रम है, इसलिए आपको इतने बड़े बड़े पीसेस दिख रहे हैं। तो ये देखिए, इसे पहले हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे,
और फिर उसके बाद एक बार इसे हम और स्लरी में डालेंगे और फिर से हम ब्रेड क्रम में इसे कोट करेंगे। तो वो क्लिप कट गई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इतना क्लियर कि इसे दो बार आप ज़रूर कीजिएगा। एक बार करेंगे तो पतली कोटिंग आएगी और ये फट सकता है। तो बस इसी तरीके से हमें सारे बॉल्स को रेडी कर लेना है। तो ये देखिए सारे बॉल्स को मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है, डबल कोटिंग ही की है सारे चीज़ बॉल्स पे। आपको देखने से ही लग रहा होगा, सिंगल कोटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अब चलते हैं ऑयल को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को रख दिया था गर्म होने के लिए और ऑयल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। अब इसमें एक एक करके हम बॉल्स को डाल देंगे और फ्रेंड्स बॉल को बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा और इसे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा ना, जब इसमें हीट ज़्यादा लगेगी तो ये फट जाएंगे। तो इसे फ्राई करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अभी आपको बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, साइड साइड में से हल्का हल्का सा ऑयल लेके इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो बस इसे उलटते पलटते हमें सेंक लेना है। जब ये नीचे से हल्का सा कलर ले लेगा तो आप इसे बहुत धीरे धीरे से पलट दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे से कलर ले चुका है, तो मैं एक एक बॉल को पलट के सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारी बॉल्स को मैंने इसी तरीके से सेक लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है चीज़ी सा टेस्टी सा चीज़ बॉल, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर देखिए ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना यमी सा दिख रहा है ना, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला। तो बच्चों की फेवरेट चीज़ बॉल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही में इंडी स्क्रीन पर ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको चीज़ की रेसिपी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।